हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज में। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो रेलवे का एलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई थी उसमें सीवीटी 2 के लिए प्रेफरेंस और जो फिल की जा रही है उस संबंध में हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाए हैं। किस तरीके से आपको प्रेफरेंस फिल करनी है, कौन से जोन में डालने में आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी, किस में ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, किस में कम कट ऑफ जाएगी, ये आज हम आपसे बताने जा रहे हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप हो सकता है आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ मिलने वाला है। और जो भी हम बातें बताई हैं ये हमें सूत्रों से पता चली हैं और बहुत जानकारी इकट्ठी की है हमने, उसके बाद ही वीडियो बनाई जा रही है। तो आपको जोन करने में, अगर जोन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे अनुसार यहाँ जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने जोन सेलेक्ट कर लिया है ये उनके अब ये नहीं है, जो अब करना चाह रहे हैं या अभी संशय में है कि कौन सा जोन सेलेक्ट करें उन्हीं के लिए है। तो आप देखिए जी हाँ, तो रेलवे में कुल जो रिक्तियाँ थी वे बढ़ाकर के जो 64,371 कर दी गई थी। इसमें जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर आया कि आईटीआई वालों के लिए ये वैकेंसी जो थी 59,101 थी, जो 91% वैकेंसी जो लगभग आईटीआई वालों के लिए हैं। और इंटर पास जो पीसीएम से हैं जो अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए केवल 5,270 वैकेंसी, यानी कि 5,270 वैकेंसी में ही इंटर पास वाले फिल करेंगे। अब ये भी अलग अलग जोन में अलग अलग बटी हुई हैं। अब कौन से जोन में कितना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा इस बारे में बताने से पहले हम बताना चाहते हैं कि जोन में कितनी जो वैकेंसी है, जो इंटर से पास, जो साइंस से पास इंटर किए हुए हैं वे कैटेगरी नंबर 134, 135, 136 में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टेली कम्युनिकेशन और सिग्नल ग्रेड 3 की हैं, इसी में हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप आईटीआई किए हों तो आप जो सभी जो इन पोस्टों को छोड़कर सभी में अप्लाई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो इंटर पास के लिए यहाँ वीडियो बनाई है और उनके लिए बताना जा रहा हूँ कौन सा जोन में सेलेक्ट करना है आपको, कौन सा जोन आपके लिए बेटर रहेगा। पहले मैं आपके जो रिक्तियाँ हैं, जो भर्तियाँ हैं, किस जोन में कितनी जो है इंटर पास वालों के लिए है ये मैं बता रहा हूँ। तो आरआरबी जो अहमदाबाद का जोन है उसमें 160 जो वैकेंसी हैं जिसमें आप फिल कर सकते हैं। और आरआरबी अजमेर में 363 हैं, आरआरबी इलाहाबाद में 797 हैं, और आरआरबी बेंगलोर में 338 हैं, भोपाल में 209 हैं, और भुवनेश्वर में लगभग यहाँ बहुत सी कम है, बट ये नहीं कि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, यहाँ कट ऑफ कम रहने के चांसेस हैं। अभी मैं बताऊँगा आपको कि कट ऑफ किस जोन में कट ऑफ कितने जाने के चांसेस हैं। तो आरआरबी बिलासपुर के जो वैकेंसियाँ हैं वो तो 255 हैं, और आरआरबी चंडीगढ़ के लिए 82 हैं, और आरआरबी चेन्नई के लिए 300 हैं, और आरआरबी गोरखपुर के लिए 277, इसी प्रकार से जो है गुवाहाटी के लिए 156 है, जम्मू के लिए जो है आरआरबी जम्मू का जो क्षेत्र आता है उसमें 43 हैं, और कोलकाता के लिए 193 हैं, और मालदा के लिए जो है यहाँ 128 रखी गई हैं, मुंबई के लिए 685 हैं, मुजफ्फरपुर बिहार के लिए जो है 78 हैं, और पटना के लिए 84, और रांची के लिए 218, और जो सिकंदराबाद के लिए यहाँ रखी गई 436, और सिलीगुड़ी के लिए 38, और तिरुवनंतपुरम के लिए 188। तो दोस्तों, ये हमारे जो 21 जोन के जो सेलेक्ट किए थे उनकी ये रिक्तियाँ यहाँ बता दी गई हैं। अब आपको देखना है कि किस इसमें जो कट ऑफ है वो रिक्तियों के हिसाब से नहीं जाएगी। आप सोच रहे हैं कि आरआरबी इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ हैं तो कट ऑफ कम जाने के चांस है, तो आरआरबी इलाहाबाद के सबसे ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि कट ऑफ सबसे ऊपर जाएगी, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने कुछ सूत्रों से जो पता निकाला है जो, तो उनके अनुसार जो हमारे आंकड़े हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम किसी भी तरीके का यहाँ आपको कोई बाध्य नहीं कर रहे कि आप इन्हीं जोन में डालें, वो आपकी इच्छा के अनुसार है, बट हम एक आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ अनुमानित कट ऑफ बताई जा रही है जो CB2 एग्ज़ाम में होगा, उससे पहले जो फर्स्ट एग्ज़ाम की कट ऑफ बनेगी उसमें एक शर्त रखी गई कि 40% जनरल वाले के लिए और 30% OBC और SC के लिए, और ST के लिए जो है 25% है। तो उसके बाद भी अगर ये जो 5,000 पोस्टें हैं इससे बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचेगा मामला, यानी कि 5,000 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जो कि 40% से ऊपर ला चुके हैं, तो उन्हें भी उन पर भी कट ऑफ लगा करके उन्हें नीचे लाना है। तो कट ऑफ किस प्रकार से लगेगी, तो आरआरबी इलाहाबाद की जो कट ऑफ यहाँ दी जा रही है वो 52 से 53, जो जनरल के जो स्टूडेंट है जिन्होंने 75 में से 52 से 53 क्वेश्चन सही किए हुए हैं निगेटिव मार्किंग काटने के बाद, तो वो आरआरबी अगर इलाहाबाद में फिल करते हैं तो उनके नंबर इस बीच में होने चाहिए, अन्यथा वह सिक्योर नहीं है कि उन्हें जोन में CBT सेकेंड के लिए एग्ज़ाम दिया जाए। और दूसरा है OBC के लिए जो है 46 से 47 है, और SC के लिए 42 से 43 है, इसी प्रकार ST के लिए यहाँ दी है 38 से 39। तो ये सबसे क्रिटिकल जोन है, यहाँ पर आपको कट ऑफ लगभग इतनी जाने की चांसेस हैं ऊपर, अगर आपके इसके आसपास में नंबर हैं तो आप इसे फिल कर सकते हैं, अन्यथा जो आपके दूसरे जोन है आप उसमें ट्राई कर लीजिए।
और ये आरआरवी पटना जो है, आरआरवी पटना में भी यही इसके आसपास जो है 51 से 52 तक जो नज़र पड़की जाएगी, और ओबीसी की 45 से 46, इसी प्रकार से एससी एसटी की यहाँ दिखाई गई है। और उसके बाद है कोलकाता, कोलकाता भी सेम ही इसी तरीके से है, और आरआरवी गुवाहाटी में भी सेम यही कट ऑफ रहने का अनुमान है। उसके बाद आपका आता है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में थोड़ी सी कट ऑफ नीचे जा सकती है 47 से 48, ये जो है अनिजर्व की है। अगर आपके इसके बीच में आपके नंबर हैं या इससे ऊपर एक दो नंबर है तो आप आरआरवी मुजफ्फरनगर फिल कर सकते हैं। उसके बाद रांची है, रांची भी इसके आसपास में ही है, 47 से 48 दिया गया है यहाँ पर, और जो ओबीसी के लिए 43 से 44 दिया गया है। मैं आपको हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ अनिजर्व की, अगर आप इसके आसपास में बैठते हैं तो आप ये वाला जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलीगुड़ी में जो है 46 से 47 है, ये जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोन बता रहा हूँ अभी। और मालदा, जो मालदा टाउन है, मालदा में जो आपको आरआरवी मालदा का जो क्षेत्र आता है, जो 42 से 43 कट ऑफ जाने के चांसेस है। गोरखपुर में 41 से 42, अगर आपके 41 से 42 या 43 के आसपास हैं तो आप आरआरवी गोरखपुर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आरआरवी भोपाल है, भोपाल में 40 से 43 जाता है, और आरआरवी अजमेर यहाँ थोड़े से कट ऑफ कम जाने के चांस हैं, 34 से 35 पर आ चुकी है कट ऑफ। अगर आप चाहें तो अजमेर को फिल कर सकते हैं। अजमेर में जो वैकेंसियाँ यहाँ दिखाई गई हैं, जो यहाँ 363 वैकेंसी आरआरवी में अजमेर में दिखाई गई हैं, बट जो यहाँ चांसेस हैं, यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए हैं, वो उनकी जो संख्या है, जो जोन सेलेक्ट किया है अजमेर, वो इतने जो वहाँ पर सेलेक्ट किया हो इंटर में पीसीएम से जो हैं वो कम सेलेक्ट किए हुए फॉर्म हैं, तो हो सकता है यहाँ चांसेस कम है जाने के। तो आप इस जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ किस क्षेत्र से जो अजमेर क्षेत्र से जो गए हैं वो फॉर्म इतने नहीं गए हुए हैं, ये राजस्थान क्षेत्र में आता है, वहाँ से फॉर्म इतने फिल नहीं किए गए, यहाँ से जो यूपी के और अदर राज्यों के ही जो फॉर्म है वो अधिक हैं। कुछ भी हो, आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं सूत्रों से पता चला है। तो अगर ये आप चाहते हैं तो अजमेर में भी डाल सकते हैं, अच्छा जोन आपके लिए हो सकता है। आइए नेक्स्ट दिखा। उसके बाद भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में थोड़ी सी और कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, 32 से 33 तक जाने के चांसेस, यहाँ ओबीसी के लिए बहुत अच्छा चांस है, 27 से 28 लगभग इतने तो सभी के नंबर होंगे। ये जो वही कट ऑफ आ चुकी है जो कि वहाँ उन्होंने मांगी है कि इससे कम तो कट ऑफ जानी नहीं, आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, यानी कि 27 से 28 पे ही आपके 30% बैठते हैं, तो लगभग इतने में तो आप अगर इतना क्वालिफाई किए हैं तो इसमें आराम से आप भुवनेश्वर में फिल कर सकते हैं। बिलासपुर में 32 से 33 तक रहेगी, चंडीगढ़ में जो है 31 32 दिखा रहा है, जी चंडीगढ़ सबसे सेफ जोन रहेगा, और सबसे अगर इधर नॉर्थन रीजन है तो इलाहाबाद नहीं फिल करना चाह रहे हैं तो वो चंडीगढ़ फिल कर सकते हैं। चंडीगढ़ की जो अनुमानित कट ऑफ दिखाई जा रही है 31 से 32 दिखाई जा रही है, और ओबीसी की 26 से 28 दिखाई जा रही है। और आरआरवी बम्बई में भी इसी तरीके की कट ऑफ है 31 से 32, तो आरआरवी बम्बई वो सेफ जोन है, आप चाहें तो इसको भी फिल कर सकते हैं। और इसमें जो ओबीसी की है 26 से 28 जाएगी, आरआरवी अहमदाबाद है वो 30 से 31 है, जी हाँ ये से भी बहुत ज़्यादा सेफ जोन है, यहाँ पर भी बहुत अधिक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अब तक जो मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर चुका हूँ, बट जितने भी स्टूडेंट रह गए हैं जिन्होंने प्रेफरेंस और जोन सेलेक्ट नहीं किया है, वो इस वीडियो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं, उस बहुत प्रयासों से ये वीडियो तैयार की गई है। अगर आप चाहें तो लगभग इस वीडियो को सेफ रख सकते हैं जब तक कि कट ऑफ आया, और हो सकता है सेम ही कट ऑफ रहेगी। और आरआरवी सिकंदराबाद के बाद 30 से 31 के लिए ये भी बहुत सेफ जोन रहेगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आरआरवी बेंगलोर, बेंगलोर में 30 से 31 जाएगी, बहुत सेफ जोन है। आरआरवी चेन्नई है, ये जो नॉर्थ साउथ एरिया के जो जितने भी जो रीजन होते हैं उसमें कट ऑफ हमेशा ही कम जाती है पहले से ही, और इस बार भी जो है वहाँ जो इतने तादाद में लोग फॉर्म फिल नहीं करते, जो बाहर के जो इधर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और इस तरह के जो राज्यों के फॉर्म ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि साउथ के एरिया में इतने फॉर्म फिल नहीं करते हैं। और आरआरवी जम्मू है, वहाँ भी 30 से 31 जाने के चांसेस हैं, और आरआरवी तिरुवनंतपुरम है लास्ट में 30 से 31, और 25.5 से और 22.5 से 23.5 तक ओबीसी की जा सकती है, ऐसी की आप देख रहे होंगे। तो ये जो वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ बनाई गई थी कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तो ये 5000 कुछ वैकेंसी हैं आपको, तो इन्हीं वैकेंसियों में आपको नौकरी लेनी है, इन्हीं में आपको फाइट करनी है। तो जिन बच्चों के जिस हिसाब से नंबर आए हुए हैं उन्होंने आंसर की चेक कर ली होगी, तो उसी हिसाब से अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ना हो कि आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है, तो जिसके 40 बैठ रहे हैं वो अपना 30 से 32 या 35 तक ही सेफ जोन में अपने सेलेक्ट करें, ऐसा ना हो कि 40 बैठ रहा है तो 40 वाले जोन में सेलेक्ट कर दे, हो सके एक दो नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ होगी और वो बाहर हो जाए, तो अपना सेफ जोन चुनें और उसमें ही आप फिल करें।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और जितने भी अभी तक स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने प्रोफेंस और जो आरआरबी जोन सेलेक्ट नहीं किए हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, और मैं चाहता हूँ सभी को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और वो अपना जो जोन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। MS नॉलेज हमें आपका स्वागत है।